क्योंकि इसमें वॉबल होने के थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं। हल्के में मत लो, हस्की हस्की है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो एक और बहुत ही धड़ाकेदार होने जा रहा है, क्योंकि आज हमारे पास यहाँ पे दो बीस्ट हैं 250 cc की, और इन दोनों का हम यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट करेंगे, एक रेस करके देखेंगे परफॉर्मेंस क्या होगा दोनों बाइक का, शुरू से आखिरी तक वो देखते हैं। पहले मैं आपको बाइक दिखाता हूँ, कुछ बाइक के बारे में बताता हूँ। चलिए पीछे पहुँचते हैं फटाक से। तो यहाँ पे हमारे पास दो बाइकें हैं, एक है सुजुकी के जिक्सर 250 और दूसरी यह बाइक यहाँ पे हमारे पास है, ये हस्क्वर्ना की विट पिलियन, और इसमें आता है 250 cc का इंजन। ये भी एकदम मतलब ड्यूक वाला पूरा स्पेक्स इसमें है। 30 PS पार है और 250 cc का इंजन है, उसमें 26 PS पार है, 250 cc का इंजन है। और यहाँ पे दोनों ही बाइक जो है BS6 है, ये भाई नेकेड है और वो आपका समझ सकते हो फेयरिंग में, लेकिन ये फेयरिंग इसको कहेंगे नहीं, ये कैफे रेसर है, मतलब नेकेड में कैफे रेसर है और वो एक स्पोर्ट बाइक है, मतलब देख रहे हो फेयरिंग कहेंगे इसको ना कहें भाई, देख लो मतलब कंपनी इतना प्राइस कटिंग करती है कि ये देख लो इतना प्राइस कट हो गया भाई। थोड़ा सा बड़ा विंडशील्ड दे देती तो क्या उसका चला जाता है यहाँ पे। और भाई इस बाइक का एक मीटर देखो यहाँ पे कितना प्यारा लगता है, देखो यहाँ में की का सिस्टम जो है टैंक के पास यहाँ पे दे रखा है, जैसा कि आप इसका कंसोल देख सकते हो यहाँ पे कुछ ऐसा है, मतलब अभी दिख रहा है कि नहीं पता नहीं कैमरे में। और यहाँ पे इसका फ्यूल सिस्टम आता है, सब कुछ मतलब इसी में आता है, कितना छोटा सा प्यारा सा नन्नू सा है आप समझ सकते हो भाई। और बाकी यहाँ पे बाइक देख लो भाई साहब ने बहुत सारे स्टिकर्स लगा रखे हैं, इसमें USG का सस्पेंशन आता है। बाकी यहाँ पे आप बाइक कुछ देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया है। पीछे का कुछ बैक साइड का लुक कुछ ऐसा है इसका, और काफ़ी बढ़िया लगती है बाइक यहाँ पे, यही देख सकते हो। और इसका आप देख सकते हो बाकी यहाँ पे ये सब है। तो होप करते हैं आपको सब चीज़ें समझ आएंगी, वीडियो फटाफट शुरू करते हैं, मिलते हैं आपसे सीधे वीडियो में। तो अब यहाँ पे हम आ चुके हैं मोटो ब्लॉक पे, और यहाँ पे अब दोनों बाइक का कंपैरिजन टेस्ट करेंगे। भाई इसकी LED आप इसकी लाइट देखते हो काफ़ी मतलब कूल लग रही है मेरे को, और उसकी तो भाई पहले से वैसी ही आती है, पहले से इसकी भी ऐसी आती है, बट कूल लग रही है। और ये बाइक ही बहुत कूल है भाई, चलाने में बहुत बढ़िया लगती है बाइक, जब आप इसे बैठते हो राइडिंग पोस्चर इसका जो है बहुत बेहतरीन एग्रेसिव एकदम लगता है। बाकी फर्स्ट राउंड में मैं ही चलाऊँगा, हस्की को मैं पहले चलाऊँगा फर्स्ट राउंड में, और देखते हैं और ये कौन सी बाइक चलाते हैं, कौशिक यही चलाएंगे और कौन सी चलाएंगे भाई। तो अरे भाई बवाल नहीं, थोड़ा सा मिस लॉन्च हुई। अरे यार लॉन्च हुई जा रही, मतलब मिस लॉन्च, ये तो बवाल मशीन है भाई, खतरनाक। अरे भाई साहब ओम खोम राडे काट रहे, शीशा इसका बहुत दूर जा रहा है, पास थोड़ा सा बुलाते हैं, सिक्स गियर मैंने डाल लिया है, 143 भी स्विमिंग करना पड़ेगा मुझे भाई। ओहो राठे, अरे भाई साहब बहुत तगड़ा भाग रहे, अरे भाई। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉर्नर आ गया लीन टाइप का, इसके लिए मैं इसके जस्ट पीछे लगाता हूँ। अरे यार इसमें भी लिमिटर मार रहा है, एक्सक्यूज मी, टपर टपर। तो थोड़ी स्लो करनी पड़ी है बाइक मुझे, क्योंकि इसमें वॉबल होने के थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं, इसीलिए मैंने थोड़ा स्लो किया था। और बाकी अब देखते हैं, अब फिर से मैं भगाऊंगा, अभी अभी तो हम मौका नहीं, ये इनके लिए डिसएडवांटेज था। ये इनके लिए डिसएडवांटेज था जो इनको वहां पर रोकना पड़ा, लेकिन ये निकलेगी आगे, ये टॉप एंड में निकलेगी, क्या नहीं निकलेगी क्या। और ये सोच रहे इसलिए कि स्विमिंग करने वॉक करने नहीं देंगे, वो ऐसे निकल जाएगी भाई। अब आता हूँ मैं, अभी इसको मैं रेलता हूँ, देखो कैसे से अभी ये ख़त्म हो जाएगी फिक्सर इसके आगे, ये तगड़ा भागेगी भाई, ये देखो हस्की इज द हस्की,
सबकी पावरफुल मैन है भाई, टक्कर जबरदस्त चल रही हेड टू हेड। ये देखो हल्के में मतलब हस्की हस्की है, ये देखो भाई। तो ये विदाउट एरर जा रही है आपकी हस्की जो है, वो विदाउट एरर जा रही है भाई। तो यहाँ पे फर्स्ट राउंड में जो है हस्की जीत गई है, बहुत ही पावरफुल। मैं बोल नहीं सकता हूँ भाई, मैंने वहां इतना स्लो कर दिया ना, उसके बावजूद भी भाई नहीं निकल गई। अबे रेस हो जबरदस्त, बहुत 151 गई है बिना एरर के। तो भाई ये मतलब मजा आ गया इसको, चलो सच सच में यार, मतलब रॉकेट है साला। लीन था तो इसका कॉर्नर था, मतलब इसने डाउन किया था, इसके बाद भी भाई क्योंकि इसलिए डाउन किया ना, क्योंकि इसमें वॉबल होने के चांसेस थे इसलिए। और मुझे तो स्लिप स्विमिंग का मतलब फायदा उठाना पड़ रहा था, फिर भी ये बिना स्लिप, लेकिन भाई बिना स्लिप स्विमिंग के भाई तगड़ा भागी पीछे होने के बावजूद भी अपनी स्पीड से जीती है ये। तो भाई इसमें है दम जो है ये बाजीराव सिंघम। तो फर्स्ट राउंड में यहाँ पे ये जीत चुकी है, सेकंड राउंड में मैं चलाऊंगा जिक्सा 250। तो अब देखते हैं क्या होता है परफॉर्मेंस, क्या होता है रिजल्ट। फटाफट रेस को शुरू करते हैं, देखते हैं रेस करके। रुको, अरे तो विली ली मार रहा है, आराम से लॉन्च करो। लॉन्च करने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है क्योंकि उसमें इतना पावर है ना, व्हील सब पड़ जा रही है उसमें लॉन्च करते टाइम पर। ये देखो भाई जिक्सर यहाँ पे तूफान तूफान, ओ भाई खतरनाक तूफान तूफान। टक्कर चल रही कैसे, ओ भाई ये थोड़ा विंड ब्लास्ट का इसमें डिसएडवांटेज आ जाता है, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सीट वीट बची कि नहीं बची भैया, ओ भाई आप देखो ये देखो ये देखना संग से निकल रहा भाई विदाउट एनी प्रॉब्लम। और ये भी कम नहीं है भाई, पीछे चल रही है आ रही है और मैं ट्रेन में पहली बार चला रहा हूँ। तो यहाँ पे हस्की आगे फिर चली गई है, हस्की इज द विनर, हस्की इज द विनर। ओ भाई ओहो, ज्यादा भगाने से कोई फायदा है नहीं, रिजल्ट समथिंग सिमिलर ही है। हस्की इज द विनर भाई, क्या जबरदस्त बाइक है ये, एक नंबर माल पानी बाइक है, माल पानी बाइक है भाई, बहुत तगड़ी बाइक है। आप लोगों ने देखा कि क्या ही जबरदस्त रिजल्ट आया, ये इनिशियली थोड़ा सा आगे एक हमसे गियर मिस हुआ। हाँ और मैं समझ गया, लेकिन फिर भी बहुत तगड़ी है बाइक भाई, इतना प्यारा इतना बढ़िया रिजल्ट आया ना, मजा आ गया। होप करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कोई सवाल हो तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं आपसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, राइट साइड हेलमेट से पंच और सेफ राइड को बाय बाय।